अरे इतनी लंबी क्यों दिख रही है ये? मेरे से पतली है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, करो स्टार्ट करो। भाई मेरी तबीयत खराब है, तुम आए, फैज की तबीयत खराब है, फैज को मलेरिया हुआ है, फिर भी फैज आया। थैंक यू सो मच ब्रदर, ऐसे भी लग रहा है तुम्हारी 12 बजे जिम को लिए तो ये देखो जल्दी करा दी। वेल अदनान भैया के साथ तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे हैं, एंड उन्होंने अब जिम खोला है तो ऑफ कोर्स मैं उनकी हर खुशी में हमेशा मौजूद रहूँगी, हमेशा आऊँगी। एंड उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है और मैं चाहती हूँ कि वो और अच्छी अच्छी अचीवमेंट करते रहें। सो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर हिम एंड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन ऑल ऑफ हिज इवेंट्स। मैं फिटनेस से ऑफ कोर्स यार और किससे इंस्पायर होंगी, अब तो मैंने भी जिम शुरू किया है। क्या बात है, अभी मैं जिम तो देखा नहीं, अभी फिर बाद में बताता हूँ इनको। अभी फैज की तबीयत भी खराब है तो फैज आया, मलेरिया हुआ इसको, पर फिर भी फैज आया। मैं तो फैज को खुद बोल दिया था कि अगर तबीयत सही नहीं लग रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर ये आया। सो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू समर, अच्छा इस साइड और एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ मेरे भाई के लिए अदनान 07 07 फिटनेस, और कॉन्ग्रेचुलेशन अदनान, इंशाल्लाह ये एक ब्रांच है, इंशाल्लाह और भी बहुत सारे ब्रांच खुलेंगे। एंड कितना ब्लेस फील करते हो, बहुत अच्छा लगता है, टीम 07 इतना आगे निकल गई है, अल्लाह का एहसान है, अदनान की बात करें अल्लाह का एहसान है, लाखों शुक्र है, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया है, सब लोग अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। आज एक भाई ने ब्रांच खोल लिया अपना, इंशाल्लाह 2-3 ब्रांच और खुलेंगे। और गाइज आप लोग भी जो मुंबई में यहाँ पे नियर बाई में हो, सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि स्टेशन के एकदम सामने, तो मतलब आप आराम से अप डाउन कर सकते हो अगर आप इधर एडमिशन कर रहे हो तो। मैं खुद ही हूँ मेरा इंस्पिरेशन, जैसे कि आप देख सकते हो।
बट हाँ हम लोग ऐसा है कि मतलब एक दूसरे को खुद से इंस्पायर करते हैं जिम करके, और एक दूसरे के लिए खुद ही मोटिवेशन बनते हैं चीज़ों में भी कामों में भी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग खुद ही एक दूसरे पे सब लोग बहुत फोकस करते हैं, तभी तो अल्लाह का एहसान है कि आज हम लोग यहाँ आए। देखो मैं पूरा नहीं बताऊंगा थर्ड चीज़ क्या होने वाली है, बट हाँ मैं थोड़ा सा ही बताता हूँ, वो चीज़ होने वाली है खाने से रिलेटेड और पूरे इंडिया में रहेगी वो इंशाल्लाह, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं कुछ, बहुत जल्दी आने वाला है कुछ गाइस और स्टे ट्यून। फैजू, खतरों के खिलाड़ी में काफ़ी सारे नाम आ चुके हैं बाहर, आप किसको सपोर्ट करते हुए नजर आओगे? शिव ठाकरे, काफ़ी अलग अलग नाम है, अर्चना का नाम है, काफ़ी सारे लोग हैं, अर्चना है, डेजी शाह है, बट मैंने अभी तक पर्सनली किसी से मिला नहीं हूँ। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच ब्रदर। यस, तो मैं अभी पर्सनली किसी से मिला नहीं हूँ, बट हाँ सबके लिए फुल सपोर्ट है गाइज, आप लोग अगर जा रहे हो धूम मचा देना वहाँ पे, और यहाँ से स्ट्रांग रहना यहाँ से स्ट्रांग रहना, बाकी सारी चीज़ें तो आसानी है। बट आप दोनों को अगर कोई एक रियलिटी शो में साथ में जाना हो तो कौन सा रियलिटी शो? अदनान और मुझे? हाँ। मैं तो फिर से खतरों रिपीट करना चाहूँगा, मेरे को अदनान का डर देखना है, सच बता रहा हूँ। अभी हम लोग जिम की बात करते हैं, टीम 07 फिटनेस की बात करते हैं, आज हम लोग जिम के लिए आए हैं और अल्लाह का एहसान है बहुत जगह से बहुत सपोर्ट मिला है, और अच्छी बात ये है कि भाई ने एक ब्रांच खोल लिया है, कंग्रेचुलेशन, और इंशाल्लाह देखते ही देखते और भी बहुत सारे ब्रांच खुलने वाले हैं। मैं बताता हूँ, अदनान कुछ नहीं कहना चाहेगा क्योंकि अदनान को भी अभी तक पता नहीं है, मेरी भी कल ही बात हुई है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाला, स्टे ट्यून गाइस। थैंक यू सो मच। तो वैसे तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अदनान को कि माशाल्लाह उसने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी सारी चीज़ें करी है, पहले भी उनकी जिम थी माशाल्लाह, और ये दूसरी जिम है, लाइक तीसरी जिम है ये, सो अब वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है माशाल्लाह, इज़ वेरी नाइस, और हम लोग की दोस्ती काफ़ी टाइम से है माशाल्लाह, तो बस मैं उसको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आगे भी वो ऐसी सारी चीज़ें करता रहे। अब मेरा फिलहाल इतना कुछ ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन अब इतना है कि जिम खुल चुका है तो अब यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा, दोस्ती की भी बात हो गई और फिर चीज़ भी अपनी है, तो फिर तो करना ही पड़ेगा इंशाल्लाह। मेरी फिटनेस का रास्ता वैसे कुछ भी नहीं है, थोड़ा हार्ड वर्किंग है, मतलब थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है तो बस वही है, घर का भी बाहर का भी। आगे क्या कुछ प्लान? आगे बहुत सारे प्लान्स हैं माशाल्लाह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रियलिटी शोज़ के हैं इंशाल्लाह, शॉर्ट फिल्म्स के हैं, एल्बम सॉन्ग्स के हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें लाइन अप करी इंशाल्लाह, बस इंशाल्लाह यही कहना चाहूँगा, खुश रहो, आबाद रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करो, गिव रिस्पेक्ट टू योर मॉम एंड डैड, दैट्स ऑल जी, वेलकम।